क्या आपने कभी सोचा है हमारे पास आज भी कुछ सीखने लायक हो सकता है, कुछ नया सीखने के लिए? आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बुक के बारे में जिसे पढ़कर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल लेविस की द बिग शॉट बुक के बारे में। इस बुक में लेविस ने उन लोगों की स्टोरी बताई है जो एक रिस्क की घड़ी में अपने आप को बचाने के लिए अपने इंटेलिजेंस का यूज किया। इस बुक में उनका सफर है जो आम आदमी के लिए डिफिकल्ट है और शायद उस टाइम के बहुत से लोग भी इसे नहीं समझ पाए थे। ये बुक आपको एक ऐसी दुनिया की एक्सपीरियंस करवाएगी जहां आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ लोग अपने टारगेट के लिए सही समय पर सही फैसले लिया करते थे। इस बुक के थ्रू आपको एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस होगा जहां लोग अपने दिमाग का यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप भी एक नई दुनिया का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ बुक के प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करें और सीखें कि कैसे इंटेलिजेंस से इंसान डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से अपने आप को बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मॉर्टेज बैग सिक्योरिटी का गेम समझाने के लिए एक स्टोरी बताई गई है। इस स्टोरी में एक पर्सन है जिसको अपना घर खरीदना है। उसने बैंक से एक लोन लिया है जिसके लिए वो पर मंथ 10,000 रुपए ईएमआई भरता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वह अपनी ईएमआई की पेमेंट नहीं कर पाता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। बैंक इससे परेशान हो जाती है और उसके घर के लिए फोरक्लोजर प्रोसेस शुरू कर देती है। फोरक्लोजर प्रोसेस में बैंक बिजनेसमैन के घर को बेच करके अपना पैसा वापस ले लेती है। इस घर का हिस्सा अब एक मॉर्गेज पूल में जाता है जिसमें बहुत से ऐसे घर होते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। ये मॉर्गेज पूल एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास भी जाता है जिससे इस पूल का एक हिस्सा मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंक इसे खरीद कर सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेचती है। ऐसे ही सिक्योरिटीज के पूल से बड़ी बड़ी मछलियां जैसे एक गेम बन जाती है जिसमें बैंक्स और इन्वेस्टर शामिल होते हैं और इस गेम के अंदर छोटे छोटे सिक्योरिटीज होते हैं। लेकिन इस खेल में कुछ इन्वेस्टर ने पहले से ही डिफेक्ट्स देखी थी और इस सिस्टम की डिफेक्ट्स को पहचान लिया था। इस तरह से मॉर्टेज बैग्ड सिक्योरिटी का गेम एक बड़ी मछली की तरह बन जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे सिक्योरिटीज होते हैं और जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं है। इस चैप्टर में एक इन्वेस्टर की कहानी बताई गई है जिसका नाम माइकल बरी है। माइकल एक हेज फंड मैनेजर था जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स के पैसे थे। माइकल के पास एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें उनके क्लाइंट के पैसे काम नहीं कर रहे थे। उनके पास एक ऐसी फैसिलिटी थी जिसके थ्रू वे मार्केट के अगेंस्ट जा सकते थे और मार्केट क्रैश होने पर उनके क्लाइंट का पैसा बचा सकते थे। इसके लिए माइकल ने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाना था। उन्होंने ये जाना कि ये सिक्योरिटी एक बड़े गेम का हिस्सा है जिसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये जानने के लिए उसने बहुत रिसर्च की और बहुत सारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ी। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट जैसे कि $1.3 बिलियन का बेट किया कि मार्केट क्रैश होने वाला है और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के रेट गिरने वाले हैं। बहुत से लोगों ने माइकल को पागल समझा, लेकिन बाद में मार्केट क्रैश हुआ, उनके क्लाइंट का पैसा बच गया। इस तरह से माइकल ने अपनी समझ और रिसर्च के साथ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाना और इससे अपने क्लाइंट के पैसों को बचाया। ये कहानी बताती है कि कभी कभी मार्केट और सिक्योरिटी को समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें लेविस ने स्टेव वाइसमैन की स्टोरी बताई है। स्टेव एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे जो स्टॉक मार्केट और सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट में काम करते थे। एक दिन स्टेव को ये पता चला कि सब प्राइम मॉर्गेज लोन बहुत रिस्की है और सब प्राइम मॉर्गेज बैग्ड सिक्योरिटी मार्केट का पावर एक छोटी बबल पे टिकी है। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ बैंकर और सब प्राइम मॉर्गेज बारोरस से बात की और पता चला कि बैंक्स सब प्राइम मॉर्गेज को खरीद रहे हैं जिन्हें डिफॉल्ट होने के बहुत कम चांसेस थे। सब प्राइम मॉर्गेज बारोरस बहुत बड़े रिस्क में होते हैं और बहुत डाउन पेमेंट देते हैं। इस तरह के बारोरस के पास लोन के लिए बहुत कम इनकम जाती है और वे लोन्स के पेमेंट्स को भी नहीं भर पाते। इसके बाद एमबीएस का रेट भी गिरने लगा। स्टेव को लगता था कि बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर होने वाला है। उन्होंने अपनी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट जैसे कि $1 बिलियन का बेट किया कि मार्केट क्रैश होने वाला है। स्टेव को लगता था कि ये झूठी बबल फटने वाली है और ये उसके इन्वेस्टर को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी। इस चैप्टर में माइकल बरी का भी जिक्र है जो इससे पहले चैप्टर में भी दिखाया गया था। उन्होंने भी अपनी रिसर्च के जरिए ये जाना कि मॉर्गेज बैक
सिक्योरिटी मार्केट में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये चैप्टर बताता है कि कभी कभी एक इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च से भी अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। स्टीव आइसमैन ने अपने एनालिसिस के साथ बहुत बड़ा अमाउंट जीता जब मार्केट क्रैश हुआ। इस चैप्टर में लेविस ने वॉल स्ट्रीट के हिस्ट्री को ढूंढा और उनके बैंकिंग सिस्टम को एनालाइज किया। उन्होंने अपनी रिसर्च से ये जाना कि वॉल स्ट्रीट बैंकिंग सिस्टम में एक डेथ मशीन बनी हुई है। जब भी बैंकिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तो इस डेथ मशीन की वजह से इसका असर पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पर पड़ता है। सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट की वजह से बहुत से इन्वेस्टर अपने पैसे खो बैठे। इस मार्केट के बीच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसमें ऐसे लोन्स थे जिन्हें लायर लोन्स कहते हैं, जिसमें बारोरस अपने इनकम और एसेट्स की झूठी जानकारी देकर लोन लेते थे। ये लोन्स झूठे थे और इसकी वजह से इन्वेस्टर को बहुत बड़ी फाइनेंशियल लॉसेज झेलनी पड़ी। चैप्टर में माइकल बरी और स्टीव आइसमैन दोनों का जिक्र है। इन्होंने अपनी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के जरिए ये जाना था कि मार्केट में बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मार्केट क्रैश हुआ तो उन्हें अपने बेट्स से बहुत बड़ा अमाउंट जीता। इस चैप्टर में माइकल लेविस ने एक बड़ा पॉइंट बताया है कि फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स और पॉलिटिशियन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्क को अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम को पहले से ही सॉल्व कर सके। देखो, हाउसिंग मार्केट का कोलैप्स पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पर बहुत बड़ा असर डालेगा। हाउसिंग मार्केट का कोलैप्स इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों ने सब प्राइम लोन्स लिए थे जो झूठी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पर दिए गए थे। सब प्राइम लोन के अलावा भी बहुत से लोन्स थे जिन्हें लायर लोन कहते हैं, जिसमें बारोरस अपने इनकम और एसेट्स की झूठी जानकारी देकर लोन्स लेते थे। इसको मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था। इसी वजह से उन्हें उन लोन्स के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलते थे। जब इन लोन्स के पेमेंट्स स्टॉप होने लगे तब हाउसिंग मार्केट का डाउनफॉल शुरू हो गया। इस चैप्टर में लेविस ने एक बड़ी स्टोरी सुनाई है जिसमें एक हाउसिंग मार्केट का ट्रेडर मार्क बाउन और उनके टीम मेंबर ने हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स को प्रेडिक्ट किया था। जब मार्क ने इस बात को अपने हायर अप से डिस्कस की तो उन्होंने उसे ये बताया कि हाउसिंग मार्केट के डाउनफॉल के चांसेस बहुत कम है। मार्क और उनके टीम मेंबर ने अपने रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स पर बेट लगा दिया और इसके रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न किया। इस चैप्टर में माइकल लेविस ने ये भी हाईलाइट किया है कि हाउसिंग मार्केट के डाउनफॉल के बाद भी वॉल स्ट्रीट के बैंक्स और उनके एग्जीक्यूटिव को कोई पनिशमेंट नहीं मिली और वो अपने पोजीशन और पावर के जरिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल रहे। इस चैप्टर में ये साफ हो जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स और पॉलिटिशियन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ताकि वो हाउसिंग मार्केट जैसे ग्लिचेस के कोलैप्स के बाद उसका इम्पैक्ट कम कर सके। इस चैप्टर में लेविस ने अपनी रिसर्च और इंटरव्यूज के बेसिस पर यह दिखाया है कि हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स के बाद वॉल स्ट्रीट के एग्जीक्यूटिव और रेगुलेटर्स ने अपने आप को ब्लेम से बचाने की कोशिश की है। उनके हिसाब से हाउसिंग मार्केट के डाउनफॉल का कोई एक रीजन नहीं था और वो सिर्फ एक कॉन्सिडेंट था। लेविस ने इस चैप्टर में ये भी बताया है कि हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स के बाद फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स और पॉलिटिशियन को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और उन्हें हैंडल के लिए नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत है। उन्हें हाउसिंग मार्केट जैसे क्रिस के बाद एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। इस चैप्टर में लेविस ने एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी दिया है कि हमारे डिसीजंस और एक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के नतीजे हमारे फैमिलीज और हमारी कम्युनिटीज पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो वीडियो खत्म एंड वैल्यूएबल नॉलेज के लिए इस वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। मैं चलता हूँ, बाय।